आजाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ रही है। हमारे जिला मंडल प्रदेश की टीम ने, विधानसभा की टीम ने पिछले 4-5 महीनों में मेहनत करके लोगों के दिलों में जगह पैदा की है। हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों का दिल जीतने के लिए इस मैदान में। मेरा भरोसा है कि कुंदर की विधानसभा के प्रत्याशी चांद बाबू आजाद समाज पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी है और बहुत अच्छे मतों से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में जो अपना मैनिफेस्टो, किसान गन्ना के दाम के मूल्य वृद्धि के लिए परेशान है और मिलों से समय पे पिछले साल का भुगतान भी नहीं हुआ है। जहाँ चुनाव है वहाँ वादे किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ करके दिखाना चाहिए। दूसरी बार आपकी सरकार है, ना बिजली के दाम कम हुए, ना किसानों का कर्ज माफ हुआ, ना गन्ने के दाम में वृद्धि हुई और ना ही अभी गन्ना सोसाइटी के चुनाव में जिस तरह से किसानों से उनका चुनाव लड़ने का हक, उनके पर्चे छीन ले गए, पर्चे फाड़ दिए गए, नॉमिनेशन कैंसिल करा दिए गए, ये गुंडागर्दी भी सब लोगों ने देखी। ये सरकार किसानों की कितनी देसी है। अच्छा, एक ये चल रहा है कि पोस्टर बटोगे तो कटोगे, पोस्टर बार का चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर आपसे कहूंगा, ये उनकी डराने की बात कौन करता है? जो कायर होता है, जो बुजदिल होता है, वो लोगों को डराने की बात करता है। जो बहादुर होता है, ताकतवर होता, कभी डराने की बात नहीं करता। हम शांति की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई के खिलाफ बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसानों की समस्याओं की बात करेंगे, महिला उत्पीड़न जो आज उत्तर प्रदेश उसको रोकने की बात करेंगे। न हम डरने की बात करेंगे, ना डराने की, और न ही लोगों को डराकर वोट लेने की बात हम लोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी चरित्र है, इसे जनता वाकिफ है। यहाँ क्या हो रहा है, लोगों के आधार कार्ड रख लिए गए हैं राशन के नाम पे, कि राशन ना देके, और बड़े पैमाने में मुसलमानों और दलितों, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और इसी को बाद में इसका गलत प्रयोग करेंगे। प्रधानों को डरा रहे हैं, डीलरों को डरा रहे हैं, बीडीसीओ को डरा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्यों को डरा रहे हैं, ये इसको राजनीति कहते हो? ये फेर चुनाव है? इस गुंडागर्दी का जवाब यहाँ की आवाम देगी। और मैं फिर चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ मुख्यमंत्री को, आप ये याद रखना मुख्यमंत्री जी, अगर आप लोकतंत्र का हनन करोगे तो जिस दिन वोट पड़ेगी तब भी चंद्रशेखर यही रहेगा और जिस दिन काउंटिंग होगी तब भी मैं यही रहूंगा। अगर कानून के साथ आप मजाक उड़ाओ कानून की, और अगर हमारा चुनाव आयोग कहीं है तो वो इसका संज्ञान ले कि किस तरह का माहौल यहाँ कुंदरकी में बनाया जाए। हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जो भी जहाँ भी कंप्लेन करनी कंप्लेन करेगा, और मैं लोगों के बीच रहकर लड़ाई को मजबूत करूंगा। चंद्रशेखर भैया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.